हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। एज यू नो, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और यहां पर अपने क्लास टीचर का नाम। आज हमारा लेसन है आर्टिकल। आपको पता है आर्टिकल तीन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, एन और द। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करते हैं ना। आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल वो वर्ड है जो नाउन से पहले आते हैं। जैसे बॉय नाउन है तो द बॉय, बी मधुमक्खी, ये नाउन है, आ लग गया, एप्पल इसके साथ एन लग गया। आपको ये तो मालूम होगा कि वोवल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ हम आ लगाते हैं, और जो प्रॉपर नाउन होती है उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अब डिटेल में इसको पढ़ना शुरू करते हैं, हाउ टू यूज़ ए और एन। देखिए, यूजेस बिफोर वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जो ए होता, जो वर्ड कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो वर्ड से शुरू होते हैं नाउन, उनके साथ हम आ का यूज़ करते हैं। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट वोवल से शुरू होते हैं, जैसे एप्पल आ से शुरू है, इरेजर ई से शुरू है, अम्ब्रेला यू से शुरू है, इनके साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं। तो ये ए और एन का यूज़ हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, ए एंड ए एन हैव अ सम मीनिंग। ए और ए एन का सम मीनिंग एक मीनिंग है। ए एन एन आइडेंटिफाई आर्टिकल, ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल में आता है। द डिफरेंट डिफेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड व्हेन द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट आ। ये आपको अभी बताया, जो वर्ड कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं उनके साथ आ, और जो शुरू जो वोवल से शुरू होते हैं वर्ड उनके साथ एन का यूज़ करते हैं। बी देखिए कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ आ आया है। कार, सी, ये आया है। आ डॉग, आ फ्रॉग, आ लेमन, आ ट्रक। यहाँ पर देखिए, एप्पल में एप्पल शुरू है, ऐसे तो ए से तो एन आया है, एग, ई से तो एन आया है। इसके बाद एन इंसेक्ट है तो आई से शुरू हो रखा है, ये तो एन आया है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर, ये सारे वर्ड आपने देखे हैं कि सारे के सारे ये वोवल से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ ए एन का यूज़ हुआ है। आगे, बी केयरफुल ऑफ द साउंड लेटर इन द इम्पोर्टेंट। ये देखिए नेक्स्ट में आपको क्या है, अ हाउस बट एन आर। देखिए यहाँ एच शुरू है, ये हाउस शुरू है एच से, लेकिन हार भी एच से शुरू है, आर जो है ये, लेकिन इसको बोलते हैं हम आर, शुरू एच से है ये। इनकी हम साउंड पे भी डिपेंड करते हैं, साउंड से भी हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम हाउस लिखेंगे तो हाउस ऐसे लिखेंगे हम हाउस, और आर लिखेंगे तो हम आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है। तो ये ए वर्ड से, हम ए वर्ड की वजह से होने से इसमें एच साइलेंट है क्योंकि, तो इसलिए इसमें हम एन लगाएंगे। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में अंकल में एन आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आएगा क्योंकि इसकी साउंड जो है वो यू से शुरू होती है। यू, ये हिंदी में लिख के देखेंगे यूनी, तो ये से शुरू होता है। तो आप सिंपल से वर्ड में याद रख लीजिए, जो हिंदी में हमारे ए, आ, ई, ई, ऊ, औ जो होते हैं, हमारे स्वर जो होते हैं, जो उनसे उनकी जो साउंड देते हैं वर्ड, उनमें हम एन लगाते हैं और बाकी सब में हम कॉन्सोनेंट लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, अ चेयर, आई स्कूल, लो एन, अ बैड, अ मैन, अ वोमैन, एन एलिवेटर, एन एग, एलिफेंट, एवन, ईयर, एन एवोकाडो। अब आगे देखेंगे, फिल्स द ब्लैंक्स विद ए और ए एन। ए और ए और ए एन लगा के हमें वर्ड्स को फिल करना है। देयर एन, देयर इज अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, सी इज रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, दे हैव गोट एन आइडिया, सी इज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी, सी द गर्ल इज अ पायलट, दिल्ली इज एन हैज़ एन एयरपोर्ट, दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक, लुक देयर इज अ बर्ड, माई फादर इज अ ओनेस्ट आएगा, तो इसमें एन आएगा क्योंकि एच साइलेंट है ओनेस्ट में भी। माई फ्रेंड लाइक टू बी अ एस्ट्रोनोट, तो एन। तो ये हमने सारे फिल कर दिए हैं। अब आपको नीचे जो है ट्रिक, ये हमारा ठीक हो, ये हमारा हो जाता है। सेकेंड देखेंगे, बी में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर द क्रॉस द रोंग आंसर। ठीक आंसर को टिक करना हो, क्रॉस जो गलत है उसको क्रॉस करना। माई मदर इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वुमन नहीं, यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ऑनेस्ट ओ से शुरू होता है, एच साइलेंट है इसमें। माई मदर इज एन, ये सही है। कैन यू प्लीज
ब्रिंग मी एन ओल्ड ग्लास, यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये गलत है, सी इज़ अ डेंटिस्ट, ए सी के ठीक है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग आ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा पार्टी, यस। आई रीड एन इंटरेस्टिंग, ये भी ठीक है। आई नीड, यहाँ पर एन आएगा, एन अम्ब्रेला, तो ये गलत है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको आर्टिकल समझ आए होंगे। आज हमने ए एन और ए एन पढ़ा है। अगली वर्कशीट में हम दा का यूज़ करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।